अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है तमाम तो तल बहतल बात खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो में हम नाइन क्लास गैस पेपर 2021 के हवाले से डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर के गैस पेपर हैं 2021 के जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग ही ये गैस पेपर क्रिएट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट नंबर वन प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं आपको पता चलूँ कि वीडियो आपने लास्ट तक देखना है इसकी मैं आपको ये वाली जो पेयरिंग है 2021 के मतलब इसके भी मैं आपको डिटेल बता दूँगा ताकि आपको आसानी के साथ जो है जो क्वेश्चन आपको ये मैं बताऊंगा उन्हीं में से ही पेयरिंग के अकॉर्डिंग ही आएंगे तो आपने पेयरिंग भी लास्ट में जो है लाजमी देखनी है लास्ट में मैं आपको पेयरिंग बताऊंगा तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर वन प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो इससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाजम से लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जुड़े बेल आइकन को आर पे प्रेस कर दें और ज्यादा से ज्यादा जा� शेयर कर दिया करें ताकि और तमाम स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुँच सके तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्टली एक्सप्लें इन द टर्म डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है नेम एस डब्ल्यू एस दैट आर यूज टू एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट इज़ फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट इज़ इनपुट उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट इज़ यूज़ ऑफ आउटपुट उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रेस टेबल तो ये थे जी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर वन में से इंपॉर्टेंट यही शॉर्ट क्वेश्चन है इनको आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लेना है उसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर वन के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो वट डू यू नो अबाउट द स्टेप प्लानिंग अ सोलूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो गया उसके बाद जो है डिस्कस अबाउट द स्टेप सेलेक्टिंग द बेस्ट सोलूशन उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है डेटरमाइंड द रिक्वायरमेंट फॉर आ फ्लो चार्ट क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट डू यू नो अबाउट एफिशिएंसी ऑफ अल्गोरिथम तो ये थे आपके यूनिट नंबर वन के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इनको आप अच्छे तरीके से देख लें और उसके बाद जो है यूनिट नंबर टू बैंड्री सिस्टम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके यूनिट नंबर टू के पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वट डू यू नो अबाउट डेसीमल नंबर सिस्टम उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज़ बैंद्री नंबर सिस्टम उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट डू यू नो अबाउट एग्जा डेसीमल नंबर सिस्टम उसके बाद है क्वेश्चन नंबर वो व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन अबाउट वोलेटल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है शॉर्टली डिस्कस अबाउट नॉन वोलेटल मेमरी और सेकेंडरी स्टोरेज ये है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है वट डू यू नो अबाउट स्टोरेज डिवाइस उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट वट इज़ प्रोपोजिशन उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है डिस्क्राइब अबाउट आर ट्रूथ टेबल उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है वट आर ट्रूथ वैल्यूज़ ये थे आपके चैप्टर नंबर टू के जो है इंपॉर्टेंट टेन शॉर्ट क्वेश्चन इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें यही पेपर में आपके आएँगे दो हज़ार इक्कीस में उसके बाद यूनियन नंबर टू के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है हाउ वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम एग्जैक्ट एसिमल टू बाइनरी गिव एग्जाम्पल उसके बाद है कन्वर्ट ये मैथमेटिकली फॉर्म है इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये दोनों मैथमेटिकली फॉर्म वाले क्वेश्चन है लॉन्ग उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर डिफाइन द मेमरी एंड नेम इट्स टाइप उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंड और नॉट ऑपरेशन चैप्टर नंबर टू के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो ये वाले हैं इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा आपको मैं एंड पे पेरिंग में बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने, करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं लास्ट तक वीडियो को लाजमी आपने देख लेना है उसके बाद है यूनिट नंबर थ्री नेटवर्क इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट इसी इसी में से ही आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल व्हाट इज़ ए साइलेंट उसके बाद व्हाट इज़ ए सर्वर उसके बाद व्हाट इज़ ट्रांसमोटेशन मीडियम उसके बाद है डिफाइन एच उसके बाद डिफाइन एस उसके बाद है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क उसके बाद है डिफाइन एफ और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वट इज़ आई तो ये थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर थ्री के नेटवर्क के जो शॉर्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो नाइन हैं वो ये वाले हैं इनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और उसके बाद यूनिट नंबर थ्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वाट इज़ टी सी पी आई पी डिस्क्राइब इट फाइव लेयर्स विद ब्ल देयर फंक्शन उसके जो ब्ल्यू वाले जो लेयर्स हैं ना ब्ल्यू वाले बॉक्सिस में जो लेयर हैं वो वाली आपने प्रिपेयर करनी है साथ और क्वेश्चन नंबर टू जो है वाट आर द साइज ऑफ़ आई पी वी फोर एंड आई पी वी सिक्स और एक्सप्लेन द मेथड टू कैलकुलेट इट्स साइज ऑफ़ दिस बोथ स्टैंडर्ड तो यूनिट नंबर थ्री के इंपॉर्टेंट दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये वाली आप अच्छे तरीके से प्रीपेयर कीजिएगा इनको और साथ जो एक्सरसाइज में भी होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा तो अब हम देख लेते हैं यूनिट नंबर फोर यूनिट नंबर फोर डेटा एंड प्राइवेसी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके देख लें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्वेश्चन नंबर टू है वट नेम सम डेटा सिक्योरिटी इश्यूज क्वेश्चन नंबर थ्री है डिफाइन कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसी डिफाइन प्राइवेसी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वट डू यू नो यू मीन बाई पेटेंट उसके बाद है व्हाट इज मीड बाय कॉपीराइट लॉ उसके बाद है व्हाट इज मीड बाय सबोटेज उसके बाद हु इज कॉल्ड हैकर तो डिफाइन इन और व्हाट इज़ साइबर क्राइम तो ये जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आप देख लें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो टेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर फोर के तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लें और इन्हीं में से ही इन आपके दो तो हज़ार इक्कीस में पेपर में आएंगे तो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो यूनिट नंबर थ्री इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो इसके एक्सरसाइज के आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर लॉन्ग के लिए इसके ये वाले जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है हैं ये वो वाले आपने कर लेने हैं तो अब हम देखते लेते हैं चैप्टर नंबर फाइव तो चैप्टर नंबर फाइव डिजाइनिंग वेबसाइट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं दो तो हज़ार इक्कीस के लिए तो डिफाइन द एच टी एम एल नेम द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ एच टी एम एल वट डू यू नो अबाउट हैबर उसके बाद है वट इज़ मार्क अप लैंग्वेज गिव एन एग्जाम्पल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स इन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब अबाउट पेयर टैक्स क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हाट इज द रोल ऑफ सिंगुलर टैक्स और क्वेश्चन नंबर एट है डिफाइन द हाइपर लिंक्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन जो है डिफाइन एन एंकर तो ये थे आपके नाइन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर फाइव के तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं तो इस चैप्टर के भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर फाइव इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू तो आपको मैंने इस तमाम चैप्टर के शॉर्ट भी क्वेश्चन बताए और लॉन्ग भी क्वेश्चन बताए अब आपको मैं पेन बता देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं तो अब हम देख लेते हैं पेरिंग 2021 के लिए जो वैलिड होगी तो उसमें से जो है ये आप पहले देख लें आप पैटर्न देख लें क्वेश्चन नंबर वन आएगा वो एम होंगे जिसमें टेन एम होंगे हर चैप्टर में से दो दो एम पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर टू जो होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे सिक्स टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने फोर अटैम्प्ट करने होंगे वो यूनिट नंबर वन और फाइव को मिला के आपको दिए जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो यूनिट नंबर टू और फाइव में से पूछे जाएंगे सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें से आपने फोर करने होंगे और क्वेश्चन नंबर फोर है और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे टोटल सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने चार करने होंगे तो यूनिट नंबर थ्री और फोर को मिला के दिए जाएंगे तो अब हम देख लेते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाएंगे यूनिट नंबर वन में शार्ट फोर शॉर्ट क्वेश्चन दिएगा उसके बाद जो है यूनिट नंबर फाइव इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ से फोर शॉर्ट क्वेश्चन सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे जो है पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद जो यूनिट जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसको यूनिट नंबर टू और फाइव में से दिए जाए यानी कि यूनिट नंबर टू में से भी फोर दिए जाएंगे और इसमें से दो इधर शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ सेट हो गए और दो जो है यूनिट क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर टू के साथ सेट होंगे तो ये भी हो गए टोटल सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से आपने फोर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर फोर जो है इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं यूनिट नंबर थ्री और फोर को मिला के दिए जाएंगे यानी थ्री में से शॉर्ट फोर शार्ट क्वेश्चन और फोर में से दो शॉर्ट क्वेश्चन ये टोटल सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद तो देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग तो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है तीन आपको यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन दिए कि जिनमें से आपने दो करने होंगे तो क्वेश्चन नंबर वन फाइव में से जो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो फाइव होगा, होगा ये यूनिट नंबर वन में से लॉन्ग दिया जाएगा और क्वेश्चन नंबर जो सिक्स होगा ये लॉन्ग का होगा तो इसको यूनिट नंबर थ्री से दिया जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन जो है उसको यूनिट नंबर फोर से लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये आप देख लें पेरिंग यानी कि यूनिट नंबर वन से फोर शार्ट क्वेश्चन और ये आप कंप्लीट जो है पेयरिंग देख लें तो ये जो चैप्टर बताए गए हैं इन्हीं में से इनशाला लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने और शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं ये इनर भी हैं और एक्सरसाइज में से भी हैं और एक्सरसाइज में अगर कोई कोई रह गया है क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में तो वो भी आप लाजमी तौर पर प्रिपेयर कीजिएगा